फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर आपको होलसेल में बिजनेस करना है तो उसमें कौन कौन से ऑप्शन है? पहला है एलोपैथिक, दूसरा है आयुर्वेदिक, तीसरा है सर्जिकल और नेक्स्ट है होम्योपैथिक में। जेनेरिक में भी आता है, लेकिन अगर हम होम्योपैथिक के बारे में सोचेंगे तो होम्योपैथिक में अगर आपको होलसेल में बिजनेस करना है तो उसके लिए गाइडलाइंस क्या होगी, क्या क्या लाइसेंसेस लगेंगे, उसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन है, उसमें कौन सी कंपनीज आती है, उसके बेनिफिट्स कितने और उसके चैलेंजेस क्या है, तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। एक्चुअली ये होम्योपैथिक फार्मा होम्योपैथिक बिजनेस मॉडल ये बहुत ही बढ़िया है, मोनोपोली आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और बहुत अच्छी बेनिफिट्स या प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। तो जानते हैं डिटेल में फार्मास्यूटिकल में होम्योपैथिक होलसेल बिजनेस मॉडल। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पहले बात करते हैं, तो आपको जो एलोपैथिक होलसेल होता है, जेनरिक होलसेल होता है, सर्जिकल होलसेल होता है, इसके अकॉर्डिंगली आपको ऐसे ही अप्लाई करना है। सेम यहाँ पे आपको ऑनलाइन जो FDA का साइट है www.fda.gov.in, यहाँ पे जाके आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। आपका जो एरिया है शॉप का तो मिनिमम 15 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, उसके बाद आपको फ्रिज होना चाहिए, उसके बाद जो रैक्स लगते हैं गुड्स के लिए तो वो होने चाहिए, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होगा होना चाहिए, तो ये चीज़ें प्राइमरी है। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद इंस्पेक्टर आके आपके यहाँ चेक करते हैं, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन आपका शॉप है तो आपको इमिडिएटली ड्रग लाइसेंस मिल जाता है। इसके बाद आपको GST रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, ये चीज़ें आपको प्राइमरी करनी है। इसकी जो अगर ड्रग लाइसेंस की फ़ीस की बात करेंगे तो 4000 to 5000 फीस वैरी होती है। यहाँ पे होम्योपैथिक के स्पेशल फॉर्म नंबर है 20C 25C, यहाँ इसके अंडर आपको होम्योपैथिक सेल करने का लाइसेंस दिया जाता है। तो ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, आपको ड्रग लाइसेंस मिल गया, आप GST रजिस्ट्रेशन भी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है कि आपको होम्योपैथिक में कौन सी चीज़ें आपको होलसेल में रखनी है। देखिए पहले फॉर्मुलेशन के बारे में जानते हैं, कितने कितने फॉर्मुलेशन आते हैं। पहला है मदर टिंचर, मदर टिंचर मतलब जो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और उसके बाद उसका फॉर्मुलेशन बनता है, मतलब जैसे हम आयुर्वेदिक में अर्क बोलते हैं जिसको, तो उसके ही बेस पे होम्योपैथिक में उसमें मदर टिंचर बोलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन है कि प्लेट पिल्स रहती है, उसके बाद ऑइंटमेंट रहते हैं, उसके बाद लिक्विड्स आते हैं, ड्रॉप आते हैं, ये सारी चीज़ें होम्योपैथिक में फॉर्मुलेशन है। तो उसमें कन्फ्यूजन क्या है कि हर कितने बहुत ज़्यादा कंपनीज है यहाँ पे, तो उसमें से आप कौन से रखेंगे, तो उसमें मैं आपको गाइड करता हूँ कि कौन सी कंपनी ज़्यादा चलती है। इसमें इंडियन कंपनी और इंटरनेशनल कंपनीज भी है। इंडियन कंपनी में आते हैं SBL, बैक्सन, श्वाबे और वीजल, और इंटरनेशनल कंपनीज में आते हैं डॉक्टर रेकवर्क और एडेल, उसके बाद भी बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन ये कंपनी बहुत ज़्यादा चलने वाली है हर एक काउंटर पे, मतलब जो होम्योपैथिक सेल करते हैं यहाँ पे ज़्यादा चलती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको मंगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे चैलेंज है कि कौन सा मंगाए, तो आपको उसके लिए सर्वे करना पड़ेगा, डॉक्टर विजिट करनी पड़ेगी, आपके कस्टमर कौन है यहाँ पे, डॉक्टर्स और रिटेलर्स। तो यहाँ पे आगे मैं इसके बारे में और भी बताऊंगा, लेकिन डॉक्टर्स से आपको डिमांड लेनी है, रिटेलर से डिमांड लेनी है, या फिर वहाँ पे जाना है और आपको बताना है कि आपका होम्योपैथिक स्टोर है। इसके लिए आपके पास मैन पावर भी होनी चाहिए, बहुत सारे काउंटर आपको करने हैं, क्योंकि होम्योपैथिक डिस्ट्रीब्यूटर कौन से भी एरिया हो, बड़ी बड़ी सिटीज़ में भी हम 5 या 6 डिस्ट्रीब्यूटर से यहाँ पर दिखते हैं। इसके लिए मेट्रो सिटीज़ में इतने हैं, तो बाकी विलेजेस में वगैरह बहुत ही कम है या फिर ना के बराबर है। तो उसकी वजह से अगर आप यहाँ पे स्टार्ट करते हो तो बहुत अच्छे चांसेस है ग्रो होने के, आपके यहाँ कस्टमर आने के। तो इसके लिए आपको हर एक डॉक्टर को, हर एक रिटेलर को मिलना ही होगा, तभी आपका सेल बढ़ेगा, आपकी रीच बढ़ेगी। तो ये फॉर्मुलेशन और मैंने बताया कि स्टार्ट कैसे करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट के बारे में, इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं लगभग 10 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख पे भी ये बजट जाता है। जो आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के इतने फॉर्मुलेशन आपको रखने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो वेरी होता है। तो ये इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की, मैंने कंपनीज की भी बात की। अब आपको ये सेटअप आपने उसके अकॉर्डिंगली सब मेडिसिन मंगाया, तो उसमें मार्जिन कितना रहता है, तो 10% मार्जिन आपको रहता है, 10 या 15%। इंडियन ब्रांड्स कभी कभी 15% भी मार्जिन देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल ब्रांड को 10% मार्जिन रहता है।
तो रिटेलर्स को भी मार्जिन वैरी होता है 20-30%। तो इसके अब बेनिफिट्स जानते हैं हम, ये बिजनेस अब आपको पूरे समझ में आ गया है कि डॉक्यूमेंट लगेंगे क्या, आपको लाइसेंसेस क्या लगेंगे, उसके बाद कौन से कस्टमर है वो क्या आपको रिक्वायरमेंट दे, उसके अकॉर्डिंगली आपने स्टॉक रखा, तो उसमें बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट्स इस बिज़नेस का ये है कि आप मोनोपोली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया बहुत सारे सिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह इसके मिलते नहीं है, इवन विलेज एरिया में नहीं मिलते, तो यहाँ पे आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं, ज़्यादातर कस्टमर यहाँ पे आप गेन कर सकते हैं। इसमें दूसरा है कि ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, एज ए एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोड निकालेंगे तो इसके बाद आप डॉक्यूमेंटेशन फुलफिल करेंगे तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं आपके फॉर्म के नाम पर। नेक्स्ट है कि यहाँ पर जो एक्सपायरी है, अगर कोई प्रोडक्ट आप रिटेलर को देते या डॉक्टर को देते हो वो रिटर्न एक्सपायरी नहीं होती, तो एक्सपायरी रिटर्न की आपको यहाँ पे टेंशन बिल्कुल नहीं है। और नेक्स्ट ये है कि ये कैश बिजनेस, हाँ कैश बिजनेस है, मतलब यहाँ पे क्रेडिट है ना बहुत ही कम होता है, और रिटेलर हो या डॉक्टर हो बहुत कम जगह पे वो क्रेडिट देते हैं, इसके लिए ये एक बिजनेस में आप क्रेडिट का टेंशन ज़्यादा नहीं है। बेनिफिट ये है कि इसकी एक्सपायरी ऑलरेडी हाई रहती है, मान लीजिए प्रोडक्ट 2020 का है तो 2025 2026 तक इसकी एक्सपायरी रहती है, तो प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म चलते हैं, तो उसकी वजह से आपको टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ स्टॉक मेंटेन रखना है और धीरे 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 आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें चलती है कौन सी चीज़ें नहीं चलती। तो इसके चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं, एक्चुअली इसमें इतना अच्छा है तो हर कोई नहीं क्यों नहीं कर रहा, क्या चैलेंजेस है इसके। चैलेंजेस में पहला पॉइंट आता है वॉल्यूम, लो वॉल्यूम, क्योंकि आप मान लीजिए आप एलोपैथिक डिस्ट्रीब्यूटरशिप कर रहे हैं, तो एलोपैथिक में अगर आपका ऑर्डर या कोई दवाई ऐसे होती है कि जो 500-600 का एक एक स्ट्रिप रहता है, 10 स्ट्रिप ले गया तो आपको एज पर PTR आपको 3500 का तो बिल हो गए, बहुत ही कम क्वांटिटी में ज़्यादा बिल हो सकता है। लेकिन होम्योपैथिक में ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टॉक लेने के बाद भी उनका बिल 500-600-1000 इतना होता है, क्योंकि इसका MRP ज़्यादा नहीं रहता। अगर कितना भी आप लेने के बाद, इवन ये डॉक्टर्स का जो ऑर्डर होता है वो 5000-6000 के ऊपर जाता नहीं, बहुत बार मैंने देखा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे वॉल्यूम नहीं बनता, मतलब ज़्यादा कैश आपको रिटर्न में मिलता नहीं, मतलब कितने भी कस्टमर बड़े हो कुछ भी हो तो ज़्यादा वॉल्यूम जैसे एलोपैथिक एज कम्पेयर टू ऐसा होता नहीं है। तो ये एक डिसएडवांटेज आप बोल सकते हैं इस बिज़नेस का। उसके बाद अवेलेबिलिटी, मैंने जो प्रोडक्ट बताया वो कंपनीज़ कभी कभी उनके पास स्टॉक नहीं रहता, तो आपको वहाँ पे स्टॉक आने तक इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि अदर जो एलोपैथी के रहते हैं उनके C&F रहते हैं या फिर दूसरे अदर डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं, स्टॉक इस डायरेक्ट स्टॉक है यहाँ से आप मंगा सकते हैं या दूसरे एरिया से मंगा सकते हैं, लेकिन होम्योपैथी का ऐसा नहीं है, कंपनी ने आपको पहले ही डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया होता है या सुपर स्टॉक C&F अपॉइंट किया होता है, तो वहाँ से ही आपको स्टॉक मिलना है। तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर बहुत जगह पर रहते भी नहीं है, इसके लिए तब तक आपको वेट करना पड़ता है जब तक ये नए फॉर्मुलेशन नहीं आए, क्योंकि एक बार शॉर्टेज हो गया तो बहुत टाइम लगता है उसको फुलफिल करना, तो वहाँ पे कस्टमर बाउंस होने के चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट में मैंने जैसे बताया कि आपको कितने सारे प्रोडक्ट है, मदर टिंचर है, ग्लोब्यूल्स है, फिर ड्रैम्स की बॉटल्स है, 1 ड्रैम 2 ड्रैम 1/2 ड्रैम, ये डॉक्टर्स के ऑर्डर रहते हैं, तो आपको ये कैसे आप देखेंगे कि पहली इन्वेस्टमेंट कौन सी करें, ड्रॉप कितने रखें आप, ऑइंटमेंट कितने रखें, लिक्विड कितने रखें, मदर टिंचर कितने रखें, तो ये एक कन्फ्यूजन का काम है, तो इसके लिए ये एक चैलेंजिंग काम है, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा ये चैलेंजेस ओवरकम कर सकते हैं आप। नेक्स्ट चैलेंजेस ये है कि यहाँ पे आपके कस्टमर रिटेलर कम है और डॉक्टर ज़्यादा है, अदर बिजनेसेस में उल्टा है, आपके कस्टमर रिटेलर ज़्यादा है डॉक्टर्स कम है, और नंबर ऑफ BHMS डॉक्टर बहुत कम है एज कम्पेयर टू एलोपैथिक, तो उसके लिए आपको उसमें ध्यान देना पड़ेगा कि आपके एरिया में या आपके रीजन में, इवन इन आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने फिजिशियन प्रैक्टिस करते हैं, कहाँ कहाँ पे जाता है, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर्स कम है, ये एक डिसएडवांटेज है इस बिज़नेस का। और लास्ट है डिमांड, ऑब्वियसली हर आपके 100 पॉपुलेशन में से 5-6% लोग ही होम्योपैथिक यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्मुलेशन, तो इसकी वजह से डिमांड भी कम है। आप कितने भी बिजनेस कीजिए, आप कितने भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, कितने भी लोगों तक तो पहुँचे, लेकिन यहाँ पे आप शॉर्ट एरिया में ही ग्रो हो सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ दिखती नहीं है, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर कम है। इसके सबसे बड़ा यहाँ पे
डिसएडवांटेज यही है कि इसके डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ही कम है। क्यों डिस्ट्रीब्यूटर कम है? क्योंकि ये वॉल्यूम नहीं बनाता, ये आप इन्वेस्टमेंट करते, बहुत इन्वेस्टमेंट करते, सोचते कि अच्छा रिटर्न आएगा, लेकिन यहाँ पे रिटर्न बहुत कम है। मैंने जैसा बताया, वॉल्यूम नहीं होता, डॉक्टर्स कम रहते हैं, डिमांड कम है, तो इसकी वजह से ये बिज़नेस मॉडल इतना सक्सेसफुल नहीं है जो अदर होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर का बिज़नेस मॉडल है। लेकिन यहाँ पे आप अच्छे से करेंगे, बहुत सालों से करेंगे, तो आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो। मैंने बताया एक्सपोर्ट में भी इसके चांसेस अच्छे हैं, तो क्योंकि एक बार कभी कभी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ती है, जैसे कोरोना इम्पैक्ट में आर्सेनिक एल्बम की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, तब होम्योपैथिक डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को पता चल गए या रिटेलर्स को पता चल गए। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी टाइम ऐसा आता है जहाँ पे आप अच्छा सा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं रहता। तो इसकी वजह से ये एक अच्छा मॉडल है, लेकिन ये ध्यान में रखिए कि इसको ग्रो होने में टाइम लगेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो में आपको पूरी डिटेल में समझ में आ गया कि होम्योपैथिक में डिस्ट्रीब्यूटरशिप कैसे चालू करें, उसके चैलेंजेस, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।